हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से द क्रिएटिव नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज जो है मैं आपके लिए बिहार CHO का मेमोरी टेस्ट, जो क्वेश्चंस हैं मेमोरी बेस्ड MCQs लेकर आया। इन क्वेश्चंस को हम 3 पार्ट में करके पढ़ेंगे, तो उसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें। ठीक है, रेड वाला बटन होगा उसको प्रेस करना है और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना है। तो पार्ट 1 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, पार्ट 1। ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस। वीडियो को जो है बिल्कुल भी स्किप ना करें और आखिरी तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। बिहार CHO क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड पार्ट 1। एम्बुबेक की फुल फॉर्म पूछी गई थी दोस्तों। यहाँ पूरा मैं आपको जो है एक वन जितना कम शब्दों में हो सके उतना शब्द कम यूज़ किए हैं मैंने इसको जो है आप वर्बली, ठीक है, इसको सही नहीं होगा, ये सिर्फ क्वेश्चन और आंसर इसमें कुल मिला के वो है। ठीक है, पूरी लाइन में नहीं लिखी हुई, शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो आप वो समझाऊंगा ज़रूर मैं पूरी तरीके से। और एम्बुबेक की फुल फॉर्म पूछी गई थी आर्टिफिशियल मैन्युअल ब्रीदिंग यूनिट, जो कि CPR के वक्त अगर हम हॉस्पिटल सेटिंग में हैं और CPR दे रहे हैं तो एम्बुबेक हम जो है ब्रीदिंग देते हैं, तो ये आर्टिफिशियल मैन्युअल ब्रीदिंग यूनिट है। ठीक है, इस तरह का कुछ आपने डायग्राम देखा होगा। ठीक है, डायग्राम वाले क्वेश्चन इस तरह से, यहाँ पे इसको आप पंप करेंगे, यहाँ पे इस वाले पार्ट को आपको माउथ से अटैच करना है और यहाँ पे इस तरह से रहता है, उसको प्रेस करते हैं और यहाँ पे हवा इसके थ्रू जाती है। परमानेंट स्टरलाइजेशन मेथड क्या हो सकता है? परमानेंट स्टरलाइजेशन का मेथड, तो ये एग्जैक्टली इसका भी ऑप्शन नहीं बताते, लेकिन ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी दोनों परमानेंट स्टरलाइजेशन के मेथड है। बात करें ट्यूबेक्टोमी की, तो ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है कि ये आप मानिए फेलोपियन ट्यूब है। ठीक है, ये आपका ओवरी हो गया इस तरह से। ठीक है, ये आपकी फेलोपियन ट्यूब है। तो फेलोपियन ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं, ये आपका यूट्रस है। ठीक है, वुमेन का यूट्रस है जिसकी हम ट्यूबेक्टोमी करने वाले हैं। तो यहाँ से इसको काट करके या तो इसको फ्लैप इसका अलग निकाल देंगे या फिर इसको लाइगेट कर देंगे, इधर भी धागा बांध देंगे इधर भी धागा बांध देंगे, तो उसको दूर दूर कर लेंगे। तो यहाँ से अंडा जो है वो इधर यूट्रस में नहीं आ पाएगा या फेलोपियन ट्यूब में, उधर ही रह जाएगा। इधर से स्पर्म जाएंगे तो यहीं रह जाएंगे, दोनों के बीच में एक तरह से दीवार हमने खड़ी कर दी है। इस तरह से जो है मिलन नहीं हो पाएगा स्पर्म और ओवम का और फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। बात करें वैसेक्टोमी की, तो वैसेक्टोमी में क्या करते हैं, वास डेफरेंस, ठीक है, वास डेफरेंस जो है उसको कट करके लाइगेट कर देते हैं। ठीक है, वो क्या करती है कि टेस्टिस से स्पर्म को लेकर के जाती है जब इजेकुलेशन होता है तब, तो उसको हम कट कर देंगे तो स्पर्म तो बनेगा लेकिन वो इजेकुलेशन में स्पर्म नहीं जाएगा, तो उससे क्या होगा, एक तरह से परमानेंट स्टरलाइजेशन मेथड है। ओके, उससे कभी भी बस वैसे तो ये परमानेंटली स्टरलाइज इससे हो जाता है। इसके भी कुछ फेलियर रेट्स हैं लेकिन बहुत कम है और ये एक परमानेंट स्टरलाइजेशन का मेथड है। बात करें डॉट्स की, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स इसका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म ही पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है। इसके अंदर हम जो है एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी देते हैं। ठीक है, उसमें अलग अलग ड्रग होती है, पैराजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एथाम्ब्यूटोल और इस तरह से 2 ड्रग और होती है, तो उनकी बात भी हम आगे करेंगे। इसमें और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे गए थे। ओके, बीपी इंस्ट्रूमेंट पूछा गया था। बीपी इंस्ट्रूमेंट तो बहुत ईजी है, स्पिग्नो मैनोमीटर। ओके, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट आता है यहाँ पे। अगर आप इस तरह से भी आता है, एक इस टाइप में भी आता है और एक ऐसे चौकोर यानी कि वर्गाकार भी आता है, तो उसमें भी इस तरह से मार्किंग दी हुई होती है और आप उसको प्रेस करना है और इसमें यहाँ पे पारा बढ़ेगा और इस तरह से एक पारा वाला आता है, फिर एक प्रेशर वाला अलग से आता है, तो अलग अलग उसमें आते रहते हैं। एक आजकल तो मैनुअल भी चलने लग गया है इलेक्ट्रिक, जिसमें बटन दब, ठीक है, इस तरह से आता है, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है बटन दबाओ यहाँ पे और वो ऑटोमेटिक BP माप के बता देता है। बात करें TT के डोज की, अगला क्वेश्चन था हमारा टिटनेस के डोज से रिलेटेड। टिटनेस का डोज जो होता है वो होता है 0.5 ml, 0.5 नहीं होता, 0.5 ml IM यानी इंट्रामस्कुलर रूट से हम इसको देते हैं और
टिटनेस का डोज हो गया, बस डोज ही पूछा था। ओके, इन्फेक्शन टू, मैन फ्रॉम वर्टिब्रे एनिमल्स, मैन से वर्टिब्रे एनिमल में कोई भी इन्फेक्शन फैल रहा है तो उसको क्या कहेंगे? तो यहाँ पे मैन के लिए आपको वर्ड यूज़ करना है एंथ्रो, ओके, और वर्टिब्रे एनिमल्स के लिए जूनोसिस, ठीक है, जूनोसिस वर्ड कर जू वर्ड यूज़ करना है, तो ये हो जाएगा एंथ्रोपोजूनोसिस, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा एंथ्रो यानी यहाँ पे मैन है, ठीक है, और जूनोसिस मतलब वर्टिब्रे एनिमल को। इसका उल्टा क्वेश्चन भी आया था, इन्फेक्शन फ्रॉम मैन टू वर्टिब्रेट एनिमल, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, तो जू पहले आ जाएगा फिर एंथ्रोपोनोसिस, ठीक है, तो जू एंथ्रोपोनोसिस तो हो जाएगा मैन से वर्टिब्रेट एनिमल्स में कोई भी इन्फेक्शन होना, और इसका उल्टा मैन को होना वर्टिब्रेट एनिमल्स से, आपको सेम लग रहा होगा लेकिन अलग अलग है, इसकी शब्द अलग अलग है, तो आप समझ जाए, अगर मैन से वर्टिब्रेट में हो रहा है तो एंथ्रोपोजोनोसिस, और वर्टिब्रेट एनिमल से मैन में हो रहा है तो जू एंथ्रोपोनोसिस। ओके, फिजिशियन इंड्यूस्ड इन्फेक्शन, फिजिशियन इंड्यूस्ड इन्फेक्शन जो है उसको हम क्या कहते हैं? एटोजेनिक इन्फेक्शन। इसका मतलब इस तरह से है कि फिजिशियन कोई भी प्रोसीजर कर रहा है, उस प्रोसीजर के दौरान अगर कोई इन्फेक्शन किसी पर्सन को, किसी पेशेंट को हो जाता है तो उसको हम कहेंगे एटोजेनिक इन्फेक्शन। एंटीडोट ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का एंटीडोट क्या है? ग्लूकोज या डेक्सट्रोज, ठीक है, ग्लूकोज हमारा राइट आंसर जाएगा। उसके बाद पीवी सिंधु से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, पीवी सिंधु क्या है? तो पीवी सिंधु किसकी खिलाड़ी है? तो पीवी सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी है। पीवी सिंधु ने जो रिसेंटली लंदन ओलंपिक हुए थे, लंदन ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल भी हासिल किया था, ठीक है, तो इस तरह से पीवी सिंधु बहुत बड़ी खिलाड़ी है, वर्ल्ड में बहुत बार नंबर वन रह चुकी है और भारत की एक प्राउड चैंपियन खिलाड़ी है। फैट सोल्यूबल विटामिन एक्सेप्ट, इस तरह से क्वेश्चन आया था कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा है एक को छोड़ करके, तो ए डी ई के तीनों क्या है? फैट सोल्यूबल है। सी ऑप्शन अगर था विटामिन सी था तो वो क्या है? गलत आंसर है, विटामिन सी एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, पानी में घुलनशील विटामिन है, कौन सा? विटामिन सी। बढ़ते हैं आगे, एमटीपी एक्ट के बारे में क्वेश्चन था, कब स्टेब्लिश हुआ था? 1971 में, ठीक है, ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है। एंड एंटीबायोटिक्स यूज्ड फॉर, एंटीबायोटिक का यूज़ क्यों है? डिस्ट्रॉय और स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया है बॉडी के अंदर, कोई भी इन्फेक्शन है तो उसको किस तरह से हम स्लो डाउन कर सकते हैं? तो वो स्लो डाउन कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर करके, तो ये यूज़ हो गया आपके एंटीबायोटिक का। तो पार्ट वन में इतना ही दोस्तों, अगले अगले जो बात अगले क्वेश्चन की बात करेंगे वो पार्ट सेकंड में करेंगे। ओके, ये पार्ट फर्स्ट हो गया है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।